हम लोग आज जिस दौर से गुजर रहे हैं, सामाजिक मेल जोल से बिल्कुल दूर अपने अपने घरों में हैं, ताकि खुद को और अपने परिवारों को इस व्यापक महामारी से सुरक्षित रख सकें। अभी घरों में रहकर हम इंसानों की सबसे अच्छी दोस्त ये किताबें बन गई है, खासकर महामारी से जुड़ी किताबें। तो आइए आज हम कुछ ऐसी घटनाओं और किताबों के बारे में जानते हैं जो पहले से आई महामारी के बारे में हमें बताती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वर्ष 1722 में अंग्रेजी के लेखक डेनियल डेफो के द्वारा प्रकाशित नॉवल अ जनरल ऑफ प्लेग ईयर में डेफो ने वर्ष 1665 में लंदन में आए ग्रेट प्लेग में एक व्यक्ति के अनुभव को बताया है। डेफो बताते हैं कि 1665 में जब ग्रेट प्लेग आया था तब वो केवल 5 वर्ष के थे। डेफो की नॉवल वर्ष सितंबर 1664 से शुरू होती है। एक टाउन की वबा ने हॉलैंड पर हमला बोला है। इसके 3 महीने बाद दिसंबर 1664 में पहली मौत की खबर आई, फिर धीरे धीरे मौतों की संख्या बढ़ती गई। जुलाई 1665 आते आते लंदन में कुछ नियम लागू किए जाते हैं जो आज की लॉकडाउन के जैसे ही थे। एक जगह पर जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई, अखाड़े और स्टेडियम भी बंद कर दिए गए थे। डेनियल डेफो आगे बताते हैं कि कुछ लोग इन नियमों की अनदेखी करके बाजारों में घूमते थे, गलियों में जमा हो जाते थे। हालांकि कई लोग इन नियमों का अच्छी तरह पालन भी करते थे। अगस्त 1665 आते आते प्लेग महामारी का रूप ले चुका था, मगर दिसंबर के अंत तक हालात कुछ काबू में आने लगे थे, बीमार लोग ठीक होने लगे थे। लगभग 400 वर्ष पहले आए महामारी का माहौल आज से कुछ अलग नहीं था। डेनियल डेफो की ही तरह अल्बर्ट कैमस ने भी अपने उपन्यास द प्लेग, जो वर्ष 1847 में प्रकाशित किए, में बताते हैं फ्रांस की अल्जीरियाई शहर ओरोन में आई प्लेग के बारे में। अल्बर्ट कैमस ने शहर ओरोन में आई हैजा की महामारी के बारे में बताया है, जो ओरोन की आबादी का एक बड़ा हिस्सा तबाह कर देती है। अल्बर्ट कैमस लिखते हैं, ओरोन शहर में सड़कों पर हजारों चूहे मरने लगे थे। शुरू में स्थानीय प्रशासन और लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद एक समाचार पत्र ने इस पर एक रिपोर्ट की। इस उपन्यास के मुख्य किरदार डॉक्टर बर्नर्ड के बिल्डिंग में एक मौत बुखार के कारण हो जाता है। डॉक्टर बर्नार्ड बीमारी के बारे में अपने सहकर्मी को बताते हैं। डॉक्टर बर्नार्ड और उनके सहकर्मी शहर के अन्य डॉक्टरों और अधिकारियों से संपर्क करते हैं, लेकिन एक मौत के आधार पर उनके सिद्धांत को खारिज कर दिया जाता है। हालांकि जितनी तेजी से मौत हो रही थी, यह स्पष्ट हो गया था कि शहर में एक महामारी आ चुकी है। जब मृत्यु की संख्या अधिक होने लगी तो शहर को सील कर दिया गया और प्लेग का प्रकोप आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया गया। शहर को बंद कर दिया गया, रेल यात्राएं बंद कर दी गई, मेल सेवाएं को निलंबित कर दिया गया, टेलीफोन सेवाएं केवल तत्काल के लिए सीमित रखी गई। अल्बर्ट कैमस लिखते हैं कि लोग इस दौरान खुद को अलग थलग महसूस करने लगे थे। कई लोग तो शहर से भागने की भी कोशिश करने लगे। डॉक्टर बर्नार्ड अपने ही घर पर लोगों का इलाज करते हैं और कहते हैं कि मुझे पता नहीं मैं इस बीमारी से कब तक बच पाऊंगा और मौत मुझे कब आ जाएगी, लेकिन मैं जब तक हूं मेरा काम है लोगों की मदद करना। अगस्त के मध्य तक स्थिति और भी खराब होती जा रही थी। शहर में कर्फ्यू लगाए जा रहे थे, अंतिम संस्कार अधिक गति के साथ किए जा रहे थे। सितंबर और अक्टूबर में शहर प्लेग की दया पर बना हुआ था। 1918 में फैले महामारी में भी दुनिया का रंग रूप बदल दिया, जिसे स्पैनिश फ्लू या फ्लू महामारी के रूप में भी जाना जाता है। स्पैनिश फ्लू से दुनिया भर में लगभग 5 करोड़ लोगों की जान गई थी, जबकि उससे पहले हुए विश्व युद्ध में भी इतनी मौतें नहीं हुई थी।
स्पाइनिश फ्लू H1N1 इन्फ्लुएंजा ए वायरस के कारण असामान्य रूप से घटक एक इन्फ्लुएंजा महामारी थी। स्पाइनिश फ्लू फरवरी 1918 से लेकर अप्रैल 1920 तक चली। उस समय इस बीमारी से दुनिया की आबादी का लगभग एक तिहाई हिस्सा प्रभावित हो चुका था, जिससे ये मानव इतिहास का सबसे घातक महामारी में से एक है। वर्ष 1939 में अमरीकी लेखिका कैथरीन एन पॉटर ने एक उपन्यास प्रकाशित किया जिसका नाम पेल हॉर्स पेल राइडर है। कैथरीन पॉटर इस उपन्यास में स्पैनिश फ्लू की महामारी का वर्णन करती है। कैथरीन पॉटर लिखती है कि एक महिला जिनका नाम मिरांडा है, जब वे बीमार पड़ती हैं, तो उनके साथी एडम उन्हें बताते हैं कि ये बहुत भयानक दौर चल रहा है। सभी दुकानें बंद हैं, बाजार रेस्टोरेंट बंद हैं, गलियों में रोज कई कई लाशें गुजरती रहती है। कैथरीन पॉटर मिरांडा के बुखार और दवाइयों से हफ्तों चली बीमारी के बारे में बताती हैं। मिरांडा जब ठीक होती है और बाहर निकलती है तो देखती है दुनिया कितनी बदल चुकी है। वर्ष 1957 से 1958 के इन्फ्लुएंजा महामारी, जिसे एशिया फ्लू के नाम से भी जाना जाता है, पहली केस 1957 के शुरुआत में चीन में दर्ज की गई थी। फरवरी के अंत से पहले पड़ोसी प्रांत यूनान में भी केस रिपोर्ट किए गए। 17 अप्रैल को द टाइम्स ने बताया कि एक इन्फ्लुएंजा महामारी से हजारों हांगकांग निवासी प्रभावित हुए हैं। महीने के अंत तक सिंगापुर ने भी नए फ्लू का प्रकोप अनुभव किया, जो मई के मध्य में 680 मौतों के साथ चरम पर थी। ताइवान में मई के मध्य तक 1,00,000 लोग प्रभावित हुए। भारत में भी जून के अंत तक 1,000,000 मामलों का सामना करना पड़ा। जून के अंत में महामारी यूनाइटेड किंगडम पहुंच गई थी। अक्टूबर में पहली लहर उठी और मुख्य रूप से उन बच्चों को प्रभावित किया जो हाल ही में गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल लौटे थे। दूसरी लहर जनवरी और फरवरी में उठी। बुजुर्ग लोगों में अधिक स्पष्ट दिखी जा सकती थी, इसलिए ये महामारी अधिक घातक साबित हुई। सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स पहली बार फरवरी 2003 के अंत में चीन में उभरने और 4 अन्य देशों में फैलने के दौरान पहचाना गया था। लोगों में बुखार, सूखी खांसी, सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और सांस लेने में कठिनाई के लक्षण दिखाई देने लगे। सार्स एक वायुजनित वायरस है और लार की छोटी बूंदों के माध्यम से इन्फ्लुएंजा के समान फैल सकता है। यह 21वीं शताब्दी में उभरने वाली गंभीर और आसानी से प्रसारित होने वाली नई बीमारी थी। 22 सितंबर 2009 को कनाडा के लेखिका मार्गरेट एडवुड ने एक उपन्यास से द एयर ऑफ द फ्लूड में एक ऐसी दुनिया के बारे में कल्पना की है जो महामारी के प्रकोप के बाद कुछ लोग बचे हैं वो कितने तन्हा हैं। इस उपन्यास में एक ऐसी महामारी का वर्णन है जो बिना पानी वाली बाढ़ की तरह आती है और हवा में तैरते हुए शहर के शहर तबाह कर देती है। डोबी नाम की युवा महिला है जो अपने माता पिता को दुखद परिस्थितियों में खो देती है। वो कितनी अकेली है, वो बार बार आसमानों की तरफ देखती है कि कोई होगा बचा हुआ, क्या वो मेरा दोस्त होगा या दुश्मन। मार्गरेट एडवुड बताती हैं किस तरह इंसानों और प्रकृति के बीच संतुलन बिगड़ता है और ऐसी महामारी का रूप ले लेता है। 2012 में मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का प्रकोप कई देशों को प्रभावित किया था, मुख्य रूप से मिडल ईस्ट को, जैसा कि इसके नाम से मालूम होता है। पहली बार अप्रैल 2012 में सऊदी अरब के एक मरीज में पहचाना गया था। वर्ष 2013 से 2016 इतिहास में इबोला वायरस रोग का सबसे व्यापक प्रकोप था, जिसने मुख्य रूप से गिनी, लाइबेरिया, सियारा लियोज़ में आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया था। पहला मामला दिसंबर 2013 में दर्ज किए गए थे। बाद में ये बीमारी पड़ोसी लाइबेरिया और सियारा लियोज़ में फैल गया था। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम और इटली में भी अलग थलग मामले दर्ज किए गए। वर्ष 2018 में सेवरेस नाम का उपन्यास लिखा गया, जिसे चीनी मूल की अमरीकी लेखिका लिंगमा ने लिखा। लिंगमा इस उपन्यास में दूसरे देशों से आकर अमरीका में बसे लोगों की कहानी के बारे में बताते हैं।
लिंगमा लिखती हैं, 2011 में न्यूयॉर्क पर हमला करने वाली काल्पनिक शेन फीवर नाम की महामारी में केवल कुछ लोग ही बच पाते हैं। इसमें से एक कैंडेस चैन है जो बाइबल छपने वाली एक फॉर्म में नौकरी करती हैं। महामारी के बाद शहर की बुनियादी ढांचा तहस नहस हो चुका है। इंटरनेट बंद है, बिजली बंद है, पूरा शहर बीमारी और बुखार का शिकार नजर आता है। आज हम लोग नोवल कोरोना वायरस का सामना कर रहे हैं। इस दौरान कहीं न कहीं नई उपन्यास की नींव तो रखी जा चुकी होगी। बस ये देखना है कि वो किस तरह हमारे उन बहादुर लोगों और स्वास्थ्य कर्मियों के बारे में अपने उपन्यास में जगह देते हैं।